हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग स्टार्टिंग भी कर चुकी हूँ मॉर्निंग से। आज अपने किचन में सुबह सुबह ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आज आलू के पराठे बनाने का रीज़न ये है कि मेरा खुसा का बर्थडे है, इसलिए कल ही फरमाइश हो गई थी मम्मा सुबह सुबह मेरे को आलू के पराठे देना, तो मैं वही बना रही हूँ अभी। देखो, आलू के पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए और इतने पराठे बन चुके हैं, देख सकते हो आप। मेरे बच्चे हैं ना, इतने खुश होके खाते आलू के पराठे। उनको भले दिन भर दे दो, आज दिन भर उनका चलता रहेगा ये काम है। बच्चों के आलू पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड देखो, इस तरीके से आलू के पराठे फूलते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो। टेस्टी टेस्टी भी बनते हैं। फ्रेंड देखो, इस तरीके से किस किस के आलू के पराठे फूलते हैं वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मेरे तो हमेशा ही फूल जाते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से अच्छे से घी ऊपर से लगा के उसके बाद में फिर दबाना रहता तो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है और अंशु है ना, खा पी के टन फूल हो गया। इस बार इनके स्कूल की यूनिफॉर्म भी चेंज हो गई है। कैसे बने थे पराठे? मैं मेरे बच्चों को मॉर्निंग में दूध में देती हूँ, डायरेक्ट जो नाश्ता बनाती हूँ वही इनको मैं खिला देती हूँ, क्योंकि दूध से थोड़ा मॉर्निंग में खाली पेट दूध नहीं देना चाहिए वैसे बच्चों को। बहुत से लोग रहते हैं कि मॉर्निंग में ही दूध पिला देते हैं, मेरा ऐसा काम नहीं है। मैं है ना सुबह में इनको जो भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ वही खिलाती हूँ, है ना। जिस दिन इसके फेवरेट नाश्ता बना रहता है उस दिन खुश हो जाता है, जल्दी उठ के जल्दी कर लेगा फटाफट। और जिस दिन इसका थोड़ा नहीं मन का रहता है उस दिन ये नखरे करता है। मिस्टर जी दूध भी लेके आ गए हैं, हम के मिस्टर जी खुद ही जाते हैं दूध लेने के लिए। अब मैं इनके टिफिन रेडी कर लेती हूँ। खुशा तो नहा धोके उसका थोड़ा लेट है टाइम भी, वो मंदिर जाएगी और ये तो मंदिर अंदर नहीं जाता है मॉर्निंग में, किसी दिन चला जाएगा, नहीं तो ये जाता नहीं है। बोलता है घर में भी तो भगवान जी बैठे हमारे, ऐसे बोल देता है। मैं बोलती तुम भी जाया करो, बोले नहीं और भी कर लेता हूँ मैं तो मैं फटाफट टिफिन रेडी कर लेती हूँ। खुशा तो देर में जाएगी, बाय। तो चले गए हैं। बर्थडे गर्ल भी रेडी हो रही है। इस बार इसकी यूनिफॉर्म ये है क्योंकि हमने इसका स्कूल चेंज कर दिया है। इस बार स्कूल इसीलिए चेंज करा था क्योंकि जो सब्जेक्ट इसने लिया है ना वो वहाँ के टीचर थोड़ा सा अच्छे नहीं लगे हमको, इसलिए हमने स्कूल चेंज कर दिया। इससे पूछा कि जाना है तो उसने हाँ कर लिया, तो हम लोगों ने चेंज करवा दिया है। तो अभी अभी रेडी हो जाएगी, मैं फटाफट दूध गर्म करने के लिए रख लेती हूँ। नहा धो के पूजा पाठ भी हो गई है मेरी घर पे और अब बाहर इतनी तेज़ बारिश हो गई ना, आज कहीं घूमने का भी सोचा था हमने और बारिश सुबह से स्टार्ट हो गई। वैसे 3-4 दिन से बारिश ही हो रही है और अब घूमने का तो कह नहीं सकते और मैं मंदिर जल चढ़ा के आ जाती हूँ फटाफट। मिस्टर जी नाश्ता करने लग गए क्योंकि टाइम भी हो जाता ना, 10 बज जाता सारा काम करने तक, बच्चे जाते हैं उसके बाद फिर काम करते हैं तो टाइम तो होना ही है। अब मैं फटाफट मंदिर छाता लेके जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश तो तेज़ हो रही है, तो छाता लेके जल चढ़ा के आती हूँ। मंदिर से भी आ गई हूँ, अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और मिस्टर जी है ना नाश्ता करने के बाद वज्रासन पर बैठ गए। नाश्ते में आज आलू के पराठे हो गए और दही हो गई, साथ में खीर भी बना के रख दी है मैंने। खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है, वो दिन में खा लेंगे। अभी फ़िलहाल आलू के पराठे और दही का ब्रेकफास्ट मैं कर लेती हूँ फटाफट। नाश्ता करने के बाद अब मैं बैठी थी मिस्टर जी के साथ और मिस्टर जी जाने लग गए हैं ऑफिस, बाहर चले गए वो भी। और बाकी का काम अभी मेरा पढ़ाई है वो फिर करूँगे। अब क्या चाहिए? ब्रश चाहिए मिस्टर जी को, इसीलिए आ गए अंदर वापस। चश्मा घर पे भूल गए तो उसके लिए फिर से आए बाहर। हर एक चीज़ भूलते रहते हैं अंदर, फिर डबल डबल भूलते हैं। बाय। बच्चे चले गए स्कूल, मिस्टर जी गए ड्यूटी, अब अकेले मैं ही घर पे हूँ। अब मेरा काम जो बचा हुआ है वो काम कर लूँगी मैं, फिर दिन के खाने की तैयारी करूंगी। 2:30 बजे तक मिस्टर जी भी आते, खुशा भी, अंशु आ जाता है 2:45 बजे, तो तब तक मेरा टोटल काम हो जाता है। मिस्टर जी और अंशु तो आ गए हैं और खाना बना के भी मैंने रेडी कर दिया है। और आज है ना दिन भर बारिश ही रहेगी बिल्कुल, थोड़ी देर रुकती है वापस से चालू हो जाती है और खाना मेरा पूरा रेडी हो गया बन के।
रोटी बना दी मैंने और ये खीर हो गई, इसमें चावल, इसमें दाल और सब्जी तो रख दी मैंने पीछे, अभी सैलेड काटना बाकी है। फोन देख रहा था आके आगे रूम में, मैं आई टीवी बंद करने के लिए तो चरचरे बंदने लग गया है। खीरा भी निकाल लिया मैंने फ्रिज से, मैं फटाफट सैलेड कट कर लेती हूँ। चलो आ जाओ खाना रखो, चलो। मिस्टर जी आ गए हैं ऑफिस से, हम लोग प्रसाद ले आते क्योंकि मंदिर में जो प्रसाद नहीं चाहिए था, उषा के हाथ से प्रसाद चाह लेंगे, फिर चलते हैं चौपा। मिठाई ले लेते हैं यहाँ से प्रसादी के लिए। प्रसाद लेके पहुँच गए हैं घर पे। अंशु को शायद लेने गया, खुशा पता नहीं क्या ही कर रही है, देखते हैं अंदर। हम लोग रेडी हो गए हैं, हम मंदिर में प्रसाद चढ़ा के भी आते हैं और होटल जाके बर्थडे पार्टी भी करके आते हैं। हम लोग ही जा रहे हैं और सोलू को बुलाया है, देखो सोलू आते कि नहीं, क्या पता ड्यूटी है कि नहीं, बोल तो रहे थे आएंगे करके, वो भी ट्रेनिंग करके आ गए। जो मेरे पहले के फ्रेंड हैं वो तो जानते ही हैं, सोलू पहले आते रहते थे इधर, वो अभी ट्रेनिंग करके आए हैं पूरे 14 महीने बाद। तो अभी यार 2-4 दिन हुए यहाँ आए हुए, उनको भी मैंने कॉल कर दिया था, अब देखते हैं आ रहे कि नहीं आ रहे। चलो बिट्टू, बर्थडे गर्ल तो अभी रेडी होने में ही है। अपने बर्थडे की ड्रेस पसंद आती, बोले ये मेरी बर्थडे की ड्रेस, अभी थोड़े दिन मतलब इसको पहनेगा मन लगा के, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग जा रहे हैं पैदल, खुशा और मैं, मिस्टर जी और अंशु आएंगे पीछे से गाड़ी से, टाइम भी हो गया मंदिर का, चल आ जा जल्दी आ जा। पहुँच गए हैं मंदिर में, फटाफट प्रसाद चढ़ा लेते हैं। मिस्टर जी और अंशु भी आ गए हैं मंदिर में दर्शन करके, फिर चलते हैं हम लोग, कितनी उमस हो रही है ना आज। चलो प्रसाद ले लो। हम लोग पहुंच गए हैं होटल पे और मिस्टर जी और अंशु के साथ तीनों जने चले गए केक लेने के लिए, और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ उनका, मेरे को यहीं छोड़ के चले गए। ये है यह वाला होटल, इसमें आते अधिकतर, यहाँ का खाना हमको अच्छा लगता ना। सभी आ गए यहाँ पे, आज तो भीड़ है नहीं ज़्यादा, वैसे हम लोग हैं ऑर्डर करते हैं खाना, पहले केक कट कर लेते हैं उसके बाद फिर खाना ऑर्डर। उन्होंने मंगा रखे है ड्राई मंचूरियन, चलो सर्व करो। थोड़ा शर्मा क्या बात है,
खाना खाने के बाद हैंड वॉश होने लग गया। अंशु का तो अभी चल रहा है। सर्दी में अच्छा लगता ना ये गुनगुना पानी? क्यों सर्दी में अच्छा लगता ना? दो ही हाथ धुल लिए मिस्टर जी। खाना पीना हो गया है, अब चलते हैं सीधे घर। भैया केक पैक कर रहे हैं, चलते हैं सीधे घर। यहाँ की लाइटिंग देखो, हम लोग पहुँच गए हैं घर पे। किसान सुई आगे आ गए, हम लोग आ रहे हैं। केक वगैरह हम अपने ब्लॉग में बांट लेते हैं। और बहुत दिन से हमने ये बच्चों के बर्थडे घर पे नहीं मनाए हैं। यहाँ पे हम लोग जाते हैं होटल पे, खा पी के आ जाते, वहीं पे केक कट कर लेते हैं। बाकी जो पहले छोटे छोटे थे ना तो छत पे बनाते थे, अच्छे जगह भी खूब ज़्यादा हो जाते थे और सब जने आते थे, बच्चे बड़े सब। तो ये बर्थडे भी बहुत दिन से नहीं बना रखा छत वाला। कब मना रहे हो? खुशी के बर्थडे पे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस टाइम बारिश का सीजन रहता है। अंशु के बर्थडे पे हम लोग छत, उस समय गांव चले जाते हैं, वहाँ तो खैर सबके साथ ही बनाते। पर छत पे जब भी पार्टी करते थे ना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि सब लोग ऐसा हम लोगों को भी बोल रहा हूँ वहाँ पे गिफ्ट ज़्यादा मिलते हैं इसलिए गाँव में पसंद है। बस अपने ब्लॉग में बांट लेते हैं। और तो ऐसे ही है, आजकल तो सब ऐसे ही हो गया, घर घर में ही चल रहा है बर्थडे मनाना। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं तक ही रखते हैं। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।